नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चलिए आपको बता दें देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश बना न्यूजीलैंड, खुशी में पीएम ने किया डांस। चीन विवाद पर दिग्विजय सिंह ने की संसद सत्र बुलाने की मांग। चीन को झटका देने की तैयारी में ट्रंप, क्या उइगुर मुस्लिमों वाले बिल पर करेंगे साइन। अनलॉक वन में ज्यादा सैलरी देकर बुला रही है कंपनियां, काम पर लौट रहे हैं युवक। इराकी बेस पर क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का विमान, सभी सुरक्षित। पेरेंट्स संग सोनम कपूर का बर्थडे सेलिब्रेशन, सास को कर रही थी मिस। WHO ने कहा रविवार को 1.36 लाख से ज्यादा मरीज मिले, इनमें 75% मामले एशिया और अमेरिका से। दुनिया में अब तक कोरोना से 71.61 लाख संक्रमित। कांग्रेस ने गुजरात के अपने विधायकों को सिरोही के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट करवाया। मिनियापोलिस शहर में पुलिस डिपार्टमेंट खत्म करने की मांग, विरोध प्रदर्शन में सेनेटर भी हुए शामिल। नोएडा पुलिस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर पूर्व MLA गुड्डू पंडित के खिलाफ केस दर्ज। UK में लॉकडाउन में 1.5 फुट लंबे घुसेल चूहों का आतंक, वो कैसे कि एक दूसरे को खा रहे, इन पर जहर भी बेअसर। राज्य मंत्री रतन लाल ने कहा कि त्रिपुरा में सरकार ने 30 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। 140 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र, कहा फेसबुक पर गलत सूचनाएं और ट्रंप के हिंसा को बढ़ावा देने वाले पोस्ट रोके। जम्मू कश्मीर में पाक की ओर से आज सुबह 6:30 बजे मनकोटे सेक्टर में सीजरफायर का उल्लंघन किया गया। अमेरिकी पुलिस अफसरों और श्वेतों ने अश्वेतों के पाव धोकर दिया संदेश, इंसानियत सबसे बड़ी नस्ल। कोरोना वायरस की वजह से मिजोरम में आज से 2 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू। अमेरिका में अनलॉक होते ही नौकरियों में अप्रत्याशित उछाल, 3 महीने की गिरावट के बाद मई में 30 लाख को मिली नौकरी। ओडिशा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन। चीन के खिलाफ अमेरिका समेत 8 देशों के सांसदों ने गठबंधन बनाया, कहा यह देश मानवाधिकार और ग्लोबल थ्रेट के लिए खतरा। ओडिशा में ड्यूटी के बाद लौटे NDRF के 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। सऊदी अरब ने जेद्दा में मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई। प्रशासन ने कहा कि JNU में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान, कैंपस में रह रहे छात्र घर जाए। कोरोना के कारण 75 साल में पहली बार UN महासभा में इकट्ठा नहीं होंगे नेता। धोनी पर सवाल उठाने वाले स्टॉक से सुशांत ने कहा कि माही भाई करियर खत्म कर देंगे, वे सब याद रखते हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद हुए कोरोना पॉजिटिव।